everyone, welcome once again. My name is Suraj Jaswal and uh, I am back again with a new chapter. In this video, we are going to cover chapter number 5 for class 4. The name of the chapter is Olympic hosts. As you can understand from the name, this chapter deals with the hosts uh, of uh, various Olympics being held till time. Aas tak Jitne bhi Olympics hain उनके बारे में जो, जो जिन कंट्रियों ने जिन कंट्रीज ने उनको होस्ट किया है उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं सो बिफोर वी स्टार्ट वी विल सी वॉट इज ओलंपिक गेम्स ओलंपिक गेम्स क्या होता है उसके बारे में कुछ जानने का कोशिश करेंगे सो लेट्स बिगिन सो वॉट इज ओलंपिक गेम्स ओलंपिक गेम्स इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट ओलंपिक गेम्स दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स है जिसमें मोर देन टू हंड्रेड कंट्रीज टेक पार्ट इन इट एंड दुनिया के दो सौ से ज्यादा कंट्रीज इसमें हिस्सा लेते हैं दे टेक पार्ट एंड कम्पीट फॉर वेरियस चैम्पियनशिप फॉर मेडल्स गोल्ड मेडल सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल इट इज हेल्ड एवरी आफ्टर एवरी फोर ईयर्स और ये Uh, हर चार साल में एक बार ये होता है एंड द वेन्यू एंड इट इज हेल्ड एट डिफरेंट वेन्यूज अलग अलग कंट्रीज में ये ऑर्गेनाइज uh, किया जाता है इट टेक्स प्लेस इन टू वर्जन्स और ओलंपिक गेम्स इज मेनली टेकिंग प्लेस इन टू वर्जन्स एक होता है समर ओलंपिक्स एंड एक होता है विंटर ओलंपिक्स इट हैज फाइव डिफरेंट रिंग्स द सिंबल ऑफ द

ओके देन नेक्स्ट अमेरिका दिस अमेरिका इंक्लूड्स बोथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ये अमेरिका में इसका नॉर्थ और साउथ दोनों आ जाता है देन एशिया देन यूरोप एंड देन ओशियानिया ओके ओशिनिया विच कम्स लाइक एंड अंडर ओशिनिया दे आर ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्टिका ओशिनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका आ जाता है क्लियर सो फाइव कॉन्टिनेंट्स है फाइव रिंग्स के फाइव डिफरेंट रिंग्स comprises five continents, africa, america, both the americas, asia, europe, and oceania, which includes australia and antarctica. so this was the basic information about olympic games. i hope now you all know olympic games, kya hota hai. okay? so let us go back to the question. so the question here is, state whether these statements are true or false there are some question given and uh, you have to write whether it's a true statement or false statement Yeah, which questions hai, 1 2 3 4 like that and you have to answer whether it is the answer is true or it's a false okay so let's begin number 1 till date number 1 till date india has never hosted the olympic games kya aaj tak india ne olympic games ऑर्गेनाइज uh, नहीं किया है सो द आंसर इज ट्रू यस, इट्स ट्रू इंडिया ने अभी तक कोई भी ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं किया है इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज अदर गेम्स लाइक एशियन गेम्स ओलंपिक गेम्स ओके बट इंडिया हैज़ नेवर होस्टेड द ओलंपिक गेम्स इंडिया ने एशियन गेम्स ओके कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किया है बट अभी तक ओलंपिक गेम्स को नहीं किया है क्लियर सो द आंसर इज ट्रू Now number two. The first modern Olympic Games took place in Paris in the year 1896. Kya first modern Olympic Games wo 1896 mein, Paris. Mein hua tha? So the answer is false. Why false? Because the year is right. Year Jodia it is right. The first modern Olympic Games was held in 1896, but the place Paris is wrong. It was held in Athens, Greece. Okay, so uh, Paris Nahita the place was Athens. So the statement is wrong. The answer will be false. Number three, Tokyo will host the 2020 Summer Olympic Games. Yes. The answer is true because Tokyo was all set to organize this uh, Summer Olympic this year. But the problem is due to coronavirus, the event is postponed. means इट विल टेक इट विल टेक प्लेस इन लाइक सम अदर डेट लेटर इन द ईयर लाइक मे बी नेक्स्ट ईयर ओके अभी तक उसका डेट फिक्स नहीं है ओके सो बेसिकली टोक्यो में ही होना था ये गेम्स पर ये कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हो गया है ठीक है कैंसिल मीन्स पोस्टपोन्न हो गया है किसी और डेट में मे बी बाई द एंड ऑफ दिस ईयर और लाइक नेक्स्ट ईयर ये ऑर्गेनाइज होगा सो द स्टेटमेंट इज ट्रू इट वॉज टोक्यो ओनली ना नंबर फोर सियोल वॉज द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स क्या सियोल एशिया का पहला कंट्री था जिसने ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया था नो दिस फॉल्स बिकॉज इट वॉज टोक्यो टोक्यो में टोक्यो वॉज द फर्स्ट एशियन सिटी जहाँ पर जिसने पहली बार ओलंपिक गेम्स uh, को होस्ट किया था एशियन सिटी ओके एशिया क्या फर्स्ट वॉज टोक्यो एंड इट वॉज इन दर नाइनटीन सिक्सटी फोर 1964 में में, हुआ था ओके? फर्स्ट एशियन सिटी सो द आंसर इज़ फ़ॉल्स. नंबर ऑस्ट्रेलिया हैज़ होस्टेड द समर ओलंपिक्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बार समर ओलंपिक्स को होस्ट किया है नो फॉल्स ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बार नहीं किया है एंड सो द राइट स्टेटमेंट इज यू एस ए यू एस ए ने अब तक सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है ओके सो द हाइएस्ट द द फर्स्ट कंट्री लाइक विच द कंट्री विच हैज़ होस्टेड द मोस्ट नंबर ऑफ ओलंपिक गेम्स इज ऑस्ट्रे इज लाइक यू एस एंड द सेकेंड कंट्री इज फ्रांस सो यू एस ए ने आठ बार आठ बार ऑर्गेनाइज किया है एंड फ्रांस ने पाँच बार ओके सो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट आंसर so the answer will be false okay now number six in 1980 the summer olympic games were hosted in moscow Kya 1980 may summer olympic games moscow mein tha? yes the answer is right okay it's true so now we come to question number seven in 2016 the olympic games was held in sao paulo brazil kya 2016 olympic games sao paulo me hua tha brazil no it's false false why in uh, see the country is correct country sahi brazil Mehuata okay but the city was rio de janeiro okay rio not in sao paulo this is also a, a, a like city in ब्राजील ब्राजील में ही है ये भी पर इट वॉज रियो डी जेनेरो ओके सो द आंसर इज फॉल्स नंबर सेवन फॉल्स नाउ नेक्स्ट द लास्ट आंसर सॉरी द लास्ट क्वेश्चन नंबर एट एथेंस हैज होस्टेड द समर ओलंपिक ट्वाइस क्या एथेंस ने समर ओलंपिक्स uh, दो बार होल्ड किया है दो बार होस्ट किया है यस द आंसर इज ट्रू इट वॉज एटीन एटीन नाइनटी सिक्स एंड

This is the flag of uh, Olympic games. OK. And you can see different rings. So these represent five different continents, as we have discussed earlier. So with this, we have come to the end of the chapter. Uh, I hope um, everything is clear to you all. And now you all know what is Olympic games. So this is end of the chapter. We'll see you again uh, with a new video. I'll see you again with a new video. Thank you and have a nice day.